तुम्हारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह कर। नो पेन नो गेन। जब देखता हूँ ना लोगों को मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में, कहीं पर भी, अगर लोग क्या मांग रहे हैं कि हे भगवान, हमारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहे, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हमारा अच्छा टाइम चलता रहे, बुरा टाइम कभी ना आए, ये चीजें मांगते हैं हम। लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे कि हमारी जिंदगी की जितनी भी मुश्किलें हैं उसकी जड़ ही यही है कि हम मुश्किलें नहीं चाहते, हम उन मुश्किलों को फेस नहीं कर रहे, हम उन मुश्किलों से डर रहे हैं। वो क्या रहा है कि हम मांग रहे हैं कि हमारा टाइम अच्छा चलता रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, किसी की हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना हो, लक्ष्मी भी आती रहे जाए नहीं, यही सब चीजें हो रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। क्या ये पॉसिबल है? पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में मुझे एक भी इंसान ऐसा दिखा दो जिसकी जिंदगी में सुख तो आए हो लेकिन दुख ना आया, जिसको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना आई, जिसका टाइम हमेशा अच्छा ही चला हो, जिसका टाइम कभी खराब ना आए, जो पैदा तो हुआ हो लेकिन कभी मरा ना, या उसके घर में कोई ना मरा, है कोई एक भी ऐसा इंसान? तो ये क्या है? ये थिंकिंग रियलिटी से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आप भगवान के सामने जाकर के मांग रहे हो, हे भगवान मुझे दिन अच्छा लगता है, रात ना हो, दिन तो रहे लेकिन रात ना रहे, सुख तो हो दुख ना हो, ये मांग रहे। पॉसिबल है? अपने ध्यान को बार बार कहीं और लेकर के जाओगे? डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे ताकि उस टॉर्चर को सहना ना पड़े, उस मेंटल पेन को सहना ना पड़े, वो ना करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारा मन नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है? एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है। तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह कर। नो पेन नो गेन। और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्यूटली प्लेजर के लिए। और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए। जिन चीजों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े, मजा आता है। ये पूरा पूरा जाल है, इस जाल को काटना है किसी तरीके से, जाल में से निकलना है। ये भूल भुलैया है, ये आप कर वो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, करना वो चाहिए जो अच्छा है लेकिन उसमें मजा नहीं है, और जो अच्छा नहीं है मजा सब उसी में है। दुनिया बाद में बदलेगी, पहले आपकी जिंदगी बदलेगी। सबसे पहले दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलते। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। तो कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ करना है, ऐसी थोड़ी आया और चला गया, क्या है? कुछ करना है। द मोर यू डू इट, द मोर यू विल गेट एनर्जी टू मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। कौन रोक रहा है आपको खुल करके आगे आने से? कौन रोक रहा है? कोई नहीं, आप खुद, आपके खुद के अंदर का ये डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो अगर इस जाल को काटना है, इससे बाहर निकलना है, तो उसका क्या रास्ता है? बहुत आसान, बहुत आसान है। अगर आप करना चाहोगे, अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैं उससे क्या मांगता हूं, तो वैसे तो कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन अगर मांगना पड़ जाए आप लोग भी कहने का, क्यों मांगू, तो मैं जा करके मंदिर में या कहीं पर भी गुरुद्वारे में जा करके उससे मांगूंगा
कि हे भगवान, तूने मुझे जितना दर्द देना है दे, और पूरे दिल से मांगूंगा, दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, अपने अंदर से, आत्मा से मांगूंगा कि तूने मुझे जितना दर्द देना है दे, जितने दुख देने हैं दे, जितनी मुश्किलें देनी है दे, लेकिन इसके साथ साथ दे उस दर्द को सहने की ताकत दे, कि मैं डर करके भागू नहीं, कहीं जा करके बिल में छुपू नहीं एक चूहे की तरह। हम क्या करते हैं जब हम अपने लिए सब कुछ अच्छा अच्छा मांगते हैं, पता है हम क्या कर रहे हैं? रियलिटी को नहीं देख रहे हैं। क्या कर सकते हो? अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, या डर करके बिल में छुप सकते हो। मैंने क्या चूज किया? स्ट्रांग बनाना है। दे दे जितना दर्द देना है, इस पूरी दुनिया का दर्द देना है, दे दे। साथ में शक्ति दे दियो, ताकत दे दियो उस दर्द को सहने की। सहूंगा ना, क्या दिक्कत है? तू है ना मेरे साथ, इसको विश्वास बोलते हैं।